सुशांत डोंगरे, मैं फाइन आर्टिस्ट हूँ और मेरा काफ़ी लंबा लंबा चढ़ के काम करता है, 80 फीट 90 फीट ऐसे काम होता है, तो उस वजह से मेरे काफ़ी पेन है, नेक में कमर में काफ़ी पेन है। तो काफ़ी दिनों से मैं ये देख रहा था और वन फाइन डे मैंने कहा कि वो रुचि जी का फ़ोन आया, मैंने कहा अभी पूना में तो ये कर ही लेना है। कल जैसे मेरे ऊपर एलटीडी के ऊपर जो प्रेशर पॉइंट अप्लाई किए गए उसके वजह से मुझे इंस्टेंट रिलीफ हो गई, दैट वाज लाइक 95% ऐसा हुआ। और जो मेरा 6 महीने से ये जो एल्बो है तो मेरे कार में गियर डालने को भी नहीं होता था और मुझे इतना लंबा लंबा चढ़ के ऐसा हाथ में बाइक पकड़ना पड़ता था, काफ़ी पेन होता था, तो वो बिल्कुल गायब हो गई। स्टडी को 95% आज तो बिल्कुल भी पेन नहीं, मिरेकल जैसा है, बहुत आई एम वेरी मच हैप्पी, क्योंकि आर्टिस्ट लोगों को 9-9 घंटे 12-12 घंटे खड़े रह के काम करते हैं, तो मेरे म्यूरल्स काफ़ी बड़े बड़े, तो मेरा तो काम ही रुक गया था काफ़ी दिनों से, और शायद अभी मेरा एनर्जी लेवल भी हाई हो गया, क्योंकि मुझे काफ़ी बोलना पड़ता है और क्लाइंट को भी क्लाइंट के सामने बोलना है, काम करना है, एनर्जी लेवल काफ़ी लो हो गया। अभी कल मैं शांति से बैठा हुआ था क्योंकि मेरा एनर्जी तो लेवल बहुत, अदरवाइज मैं हमेशा फ्रंट सीट पर रहता हूँ, पर आज अभी देखो मुझे यानी इन लोगों जितना मैं बोल नहीं रहा हूँ लेकिन मेरा एनर्जी लेवल हाई है। क्या और मेडिटेशन तो मैं जब काम करता हूँ तो मैं ऐसे ही मेडिटेशन मोड में रहता हूँ, पर आज जो मैं चक्रा कुंडलिनी जागृत किया तो जो काम करते वक्त मैं जो 0 अवस्था में चला जाता हूँ उस अवस्था में बोलता हूँ। अरे मैं कलर तो देखते ही रहता हूँ लेकिन एक जेन्युइन मेरी तरफ से वो है कि आई वॉज इन टू नथिंग, यानी मेरे आजू बाजू कोई नहीं है ऐसा मुझे महसूस हुआ, जो कि ये किसी से हो सकता है कुंडलिनी जागृत कर। कलर तो ब्लैक एंड वाइट वी डोंट कंसिडर दैट्स अ कलर बिकॉज इट इज़ अ न्यूट्रल फॉर अस, पर मैं नथिंगनेस में गया जो सबसे टफेस्ट काम है जो मैं काम करता हूँ, क्योंकि मैं सब इमेजिन करके करता हूँ, कोई रेफरेंस नहीं होता स्पॉन्टेनियस आर्टिस्ट को, तो ये कुंडलिनी जागृति हुआ। आई एम वेरी मच थैंक यू और मैं चाहूँगा जैसे बोलते हैं अच्छा सोचो अच्छा होगा, अच्छा बांटो अच्छा ही मिलेगा। क्या बात, थैंक यू सो मच, थैंक यू।